कृष्ण मोदी अगेन पीएम गोवा प्रदेश की आज प्रदेश कार्यशाला थी। इस कार्यशाला में गोवा प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलों के पदाधिकारी इस कार्यशाला में आज प्रशिक्षण लेके गए हैं। और मिशन का उद्देश्य है हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर घर में से एक मोदी खड़ा करना है जो राष्ट्र और समाज के लिए एक घंटे मोदी बनकर काम करे, मोदी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाए। मोदी जी जो अपने मन की बात करते हैं वो ग्राउंड लेवल पर वो लागू हों, इस सब के लिए मिशन मोदी अगेन पीएम काम कर रहा है। आज कार्यशाला थी, बहुत जल्दी हम लगभग 650 कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण वर्ग 3 दिवसीय करने जा रहे हैं, जिसमें हम 650 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे योजनाओं से संबंधित और काम के विस्तार से संबंधित, और समाज में हम सेवा के रूप में कैसे काम कर सकते हैं ये सारे विषय उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में रहेंगे। ये 650 कार्यकर्ता आगे चल के उन योजनाओं पर काम करेंगे, समाज में सेवा के रूप में काम करेंगे और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष गोवा मिशन मोदी अगेन पीएम, मेरे अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी, लेकिन रामगोपाल काका जी से मिलने के बाद मिशन मोदी की जो जिम्मेदारी मुझे गोवा के लिए दी गई है उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो उन्होंने हमें एक दिन का प्रशिक्षण दिया है मिशन के बारे में, मिशन के उद्देश्यों के बारे में, आज हमको इस मिशन को आगे कैसा बढ़ाया जाए, मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, मोदी जी की नीतियों का लोगों तक पहुँचाने में सहयोग कैसे किया जाए, आज हमारी गोवा टीम ने, हम सब ने आज एक दिन के प्रशिक्षण में ये सब काका जी से सीखा है। और हम विश्वास दिलाते हैं, हम गोवा सरकार हो या कोई भी भारत में कोई भी सरकार हो, हम जो गोवा की गवर्नमेंट की जो नीतियाँ हैं उनको आगे तक, भारत सरकार की नीतियाँ को आगे तक पहुँचाने में, जन जन तक पहुँचाने में लोगों की सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। इसने लिखा, हम सबका और आप पूरे देश का ऐसा दुर्भाग्य है कि 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद प्रधानमंत्री, नौकरी करता हूँ वहाँ कोई मिलता है, मेरा खुद का व्यवसाय होता है इसके निमित्त कोई ना कोई मिलते हैं, तो वहाँ हम यह विषय, इस विषय को बार बार उठाएंगे या नहीं उठाने। एक ग्रुप फोटो कर लेंगे सर। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक ग्रुप फोटो लेंगे। जब चाइना ने हम पर वॉर किया, आक्रमण किया, हम हार गए थे 1962 में, तो ऐसे लोग यहाँ जो थे बाद में पीएन हक्सर थे, और आने वाले समय में लगभग 600 कार्यकर्ता यहाँ प्रश्न लेंगे, वो 3 दिन का प्रश्न वर्ग होगा, उसमें सरकार की योजनाओं के बारे में प्रश्न। मगे गोय घर आणि जरी तो कोणसो आला झाले तुम्ही आणि आम्ही कोण उरपा नाही, जाणती उरपा नाही, जाणती उतरली तुम्ही उरपा जाय जाय जाणत्या जाय ओडली।